बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखती हूँ कि सब सारे स्टूडेंट खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्लास फाइव ओपन विद इस्लामियात बुक, कल मैंने आपको आयतुल कुर्सी यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 विद ट्रांसलेशन वो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, और आज आपका इसी टॉपिक यानी हिफ्ज़ुल कुरान का एक और सूरतें हैं, टॉपिक हैं सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सूरह फलक और सूरह नास की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये सूरह फलक कुरान मजीद के आपको पता होगा कि कौन से पारे में हैं, 30वें पे। इस सूरत की कुल आयात 5 हैं। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू की कोशिश की, ठीक है। कब नाजिल हुई थी? उस वक्त नाजिल हुई थी जब एक यहूदी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला ने ये दो सूरत नाजिल फरमाई थी, ठीक है। तो आज हम इसकी तिलावत और तर्जुमा पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ्फासाति बिल्उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दोबारा सुनिए। कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ्फासाति बिल्उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक, कह दो कि सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, मिन शर्रि मा खलक हर चीज़ की बदी से जो उसने पैदा की, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब और शब तारीख की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, व मिन शर्रि नफ्फासाति बिल्उक़द और गड्ढों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालों की बुराई से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और हसद करने की वाले की बुराई से जब वो हसद करने लगे। कहते हैं कि ये अहदीस में है कि ये दोनों सूरत सोने से पहले ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। दोबारा, कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक, कह दो कि मैं सुबह की परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ, मिन शर्रि मा खलक हर चीज़ की बदी से जो उसने पैदा की, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब उस शबे तारीख़ की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, व मिन शर्रि नफ्फासाति बिल्उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और गंदों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालों की बुराई से और हसद वाले की बुराई से जब वो हसद करने लगे। अब है सूरह नास। ये सूरत भी 30वें पारे में है और ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है। इस सूरत की कुल तादाद है 6 और ये सूरत मक्का मुकर्रमा में सूरह फलक के साथ ही नाजिल हुई थी, मतलब ये दोनों सूरतें जो थी एक साथ ही नाजिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ बिरब्बिन नास मलकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास हन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास मिनल जन्नति वन्नास। कुल अऊज़ बिरब्बिन नास मलकिन नास इलाहिन नास
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ترجمے کے ساتھ سنیں. قل اعوذ برب الناس, کہہ دو کہ میں لوگوں کی پروردگار کی فنا مانگتی ہوں مانگتا ہوں. ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کے, کہ الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, شیطان وسوس و انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ کے میں لوگوں کے پروردگار کی فنا مانگتی ہوں, یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی, لوگوں کے معبود برحق کی, یعنی شیطان وسوسے انداز کی برائی سے جو یعنی خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہاں صرف جنات کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ دونوں چیزوں کی بات ہو رہی ہے, جنات اور انسان دونوں کی. اگر کوئی انسان مطلب ہو سکتا ہے, یہ ایسا بھی ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کیا ہوتے ہیں, دشمن ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ یہ دونوں سے صورتیں پھڑا کریں, اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے اس حفاظت میں آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اگر سونے سے پہلے آپ یہ کھل چھار صورتیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وسوسے سے, شیطانی وسوسے سے, انسانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے کلاس فائیو. یہ آج آپ کا پیج نمبر بھی نوٹ کر لے, پیج نمبر فائیو, سورہ فلق اور سورہ ناس. ٹھیک ہے, آپ ان دونوں کی سورتوں کو اچھی طرح پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد اس کی یہ ترجمہ جو ہے یہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں. ٹھیک ہے, اوکے, کلاس فائیو, بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.